सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है जिनमें आपका वीज़ा बहुत जल्दी आएगा, और ऑल्सो हम इन वीडियो में बात करेंगे उनकी वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, उनकी लोकेशन के वो कहाँ पर हैं, उनकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है, उनकी एवरेज एनुअल ट्यूशन फीस कितनी है, उसमें एंट्री रिक्वायरमेंट्स कितनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द स्कॉलरशिप। सो फर्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। सो अगर हम बात करें इसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग, मतलब ये कितने नंबर पे आती है, देन ऑस्ट्रेलिया में ये नंबर वन यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड में इसकी 30th रैंक है और ये 1946 में फाउंडेड हुई थी, एंड इसकी जो लोकेशन है वो है कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन टेरिटोरियल कैपिटल। सो आगे अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज हमें ऑफर कर। सो इस यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज हैं वो हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स, देन फिर लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, देन फिर साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। देन अगर हम बात करें मतलब ऑन एन एवरेज इसकी एनुअल ट्यूशन फीस कितनी आती है इस यूनिवर्सिटी की, देन अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज इस यूनिवर्सिटी की जो हमें ट्यूशन फीस आती है वो आती है $40,000 to $45,000 पर ईयर, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स यू आर चूजिंग। सो ये आगे बढ़ भी सकती है एंड कम भी हो सकती है। सो अगर आगे हम बात करें भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट्स चाहिए, देन वी कैन टॉक अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी में आपको मिनिमम 5 का जीपीए चाहिए, विच इज़ अराउंड 65 to 74%, आईएलटीएस का स्कोर 6.5 नॉट लेस देन 6, एंड टॉकिंग अबाउट द पीटी स्कोर तो आपको मिनिमम 64 का स्कोर लगेगा, नॉट लेस देन 54। सो ये इसके कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी। देन अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, तो ये स्कॉलरशिप बहुत सारी ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, बट इट्स टोटली डिपेंड देन आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। सो द स्कॉलरशिप्स ऑफर बाय दिस यूनिवर्सिटी इज़ द नंबर वन ANU कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एंड सेकेंडली ANU कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड यूनिवर्सिटी विच इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की जो रैंक है वो है वर्ल्ड रैंक 33rd है। इट वॉज फाउंडेड इन 1853 एंड इसकी लोकेशन है मेलबर्न विक्टोरिया। इट वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द विक्टोरिया रीजन। सो अगर हम बात करें भी इसके मेजर कोर्सेज हैं, मतलब जो स्पेशलिटीज कोर्सेज हैं, दो पॉपुलर कोर्सेज द ऑफर्स बाय यूनिवर्सिटी इज लॉ एंड लीगल स्टडीज, सेकेंडली मेडिसिन इंजीनियरिंग, एंड द लास्ट इज बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। तो अगेन अगर हम बात करें मतलब आपको ऑन एन एवरेज साल में कितनी फीस भरनी पड़ सकती है इस यूनिवर्सिटी में, आपको मतलब मिनिमम ऑन एन एवरेज कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी आपको ट्यूशन फीस, तो ऑन एन एवरेज की ट्यूशन फीस आती है $40,000 to $45,000 पर ईयर। इट वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्स यू चूज, एंड द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस यूनिवर्सिटी इज जीपीए ऑफ 65% एंड आईएलटीएस 7 नॉट लेस देन 6.5 एंड पीटी इज 58 नॉट लेस देन 64। सो दिस इज द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी। सो नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हमें स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो द स्कॉलरशिप ऑफर बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज मेलबर्न इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एंड सेकेंडली इज द मेलबर्न ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। सो इन यूनिवर्सिटी में इन स्कॉलरशिप के थ्रू आपको 20 to 25% तक का वेवर मिल सकता है आपकी ट्यूशन फीस के अंदर। नाउ कम्स द थर्ड यूनिवर्सिटी विच इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, विच इज़ वेरी मच पॉपुलर अमंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है विच इज़ 41 इन द वर्ल्ड रैंकिंग। इट वॉज फाउंडेड इन 1850 विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द होल ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी लोकेशन है सिडनी न्यू साउथ वेल्स में। सो ये यूनिवर्सिटी में जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो आपको ऑफर होंगे द मेडिसिन कोर्स, नर्सिंग कोर्स, और भी इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट ये यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। सो अगर हम बात करें आपको ऑन एन एवरेज कितनी इसकी पर ईयर कोर्स पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो ऑन एन एवरेज आपको इस यूनिवर्सिटी में जो कोस्ट आएगी वो आएगी एवरेज ट्यूशन फीस ऑफ $45,000 पर ईयर। इट इज़ आल्सो अगेन डिपेंडिंग टोटली ऑन द कोर्स यू आर चूजिंग। अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स टू गेट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, द मिनिमम स्कोर यू विल नीड इज ए जीपीए ऑफ 65 or 74%, आईएलटीएस की स्कोर आपको लगेगी 7 नॉट लेस देन 6.5, एंड अगेन पीटी का स्कोर लगेगा 68 नॉट लेस देन 61। सो अगर बात करें हम जो स्कॉलरशिप द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑफर करती है, सो द नंबर वन स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी इज वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें आपको 100% ट्यूशन फीस का वेवर मिल सकता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। एंड नाउ कम्स द फोर्थ यूनिवर्सिटी विच इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। तो अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 45th रैंक इसकी जो आती है वर्ल्ड में, एंड अगर हम बात करें इट वॉज फाउंडेड ऑन 1949 एंड इसकी लोकेशन इज़ ऑल्सो सिडनी न्यू साउथ वेल्स। सो ये यूनिवर्सिटी अपने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी में आपको जो मेजर और पॉपुलर कोर्सेज मिलेंगे वो मिलेंगे डिफरेंट फील्ड्स में, बट इसके जो स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं वो हैं पॉपुलर कोर्सेज विच इंक्लूड्स साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड अकाउंटिंग
इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल एंड मैकेनिकल एंड एरो इकोनॉमिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कोर्सेज। सो इस यूनिवर्सिटी में आपको ऑन एन एवरेज ट्यूशन फीस आएगी वो आपको पड़ेगी $42,000 पर ईयर। अगेन इट्स डिपेंड्स अपॉन द कोर्स यू आर चूजिंग। सो टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ NSW द मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट्स इज आपको जो GPA लगेगा वो लगेगा आपको 65% और उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो। एंड IELTS PT की स्कोर अगेन वही 66.5 नॉट लेस देन 6 एंड PT का स्कोर जो आपको लगेगा वो 65 मिनिमम और नॉट लेस देन 54। So the various scholarships offered by University of NSW International Student Award Scholarship 25 waiver and International Global Award Scholarship। Now comes the fifth and the last university which is the University of Queensland। So University of Queensland की अगर बारे में हम बात करें तो उसकी world ranking है, world में fifth university है ये। So it was founded on 1909 and अगर हम बात करें इसके location के बारे में तो ये Brisbane Queensland में आती है। सो ये यूनिवर्सिटी मतलब बहुत पॉपुलर है क्वींसलैंड के अंदर, वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी इन क्वींसलैंड इफ़ यू वांट टू मूव द क्वींसलैंड। सो अगर हम पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बात करें, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज आर द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज ऑफर्ड बाई दिस यूनिवर्सिटी। अगेन हम अगर इसकी एवरेज ट्यूशन फीस एनुअल के बारे में बात करें देन द एनुअल एवरेज ट्यूशन फी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स यू विल चूजिंग बट इट्स टोटली अपॉन $31,000 to $38,000 पर ईयर। सो अगर हम बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में इस यूनिवर्सिटी में तो आपको मिनिमम GPA 60 to 70%, IELTS आपको 6.5 एंड PT 64 लगेगा। सो दीज आर ऑल दिस यूनिवर्सिटीज विच आई मेंशन इन दिस वीडियो। सो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सूटेबल है, कौन से रीजन में आप जाना चाहते हो। सो दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आपको वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाएगा क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होती हैं। देन अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस वीडियो को रिसर्च करने में, देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल।